प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय 42मा दीक्षांत समारोह में लीधो भाग। 69 सुवर्ण चंद्रक विजेताओं ने आप्या प्रमाणपत्र, साथे साथे प्रधानमंत्रीए सभा ने पण कर्यु संबोधन। प्रधानमंत्री आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर खाते इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ने करशे लॉन्च। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस ऑथोरिटी नी हेडक्वार्टर्स नी राखशे आधारशिला। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन द्वारा करायेली अभद्र टिप्पणी ने लईने देशभरमां रोषनो माहोल। मध्यप्रदेशमां अधीर रंजन विरुद्ध गुनो नोंधायो। भाजप सहित अन्य राजकीय दळोए करी निंदा। मायावतीए कह्युं पोतानी जातिवादी मानसिकताने छोड़ी देशनी माफी मांगे कांग्रेस। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 आज बीजी वर्षगांठ। राजधानी दिल्ली में आयोजित कराशे विशेष कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि तरीके लेशे भाग, तो शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पण रहेशे उपस्थित। कोचीन शिपयार्ड परथी देशना प्रथम विमानवाहक जहाज विक्रांत नौसेनाने सोंपायो। विक्रांत आवता महीने पूर्ण रीते नौसेनामां थशे सक्रिय। सप्ताहना छेला कारोबारमां भारतीय शेरबजारोमां शानदार तेजी। सेन्सेक्स 712 आंकना उछाड़ा साथे 57,570 पर, तो निफ्टी 228 आंकना उछाड़ा साथे 17,128 पर थया बंद। तो डॉलर सामे रूपियो मजबूत थई 3 अठवाडियाना उच्च स्तर पर पहोंच्यो। દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 20,000થી વધુ કેસ નોંધાયા અને 47 દર્દીઓના થયા મરણ, તો રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ 1,000ને પાર, તો 886 દર્દીઓ થયા સાજા। અમદાવાદમાં 364 નવા કેસ, વડોદરામાં 78, મહેસાણામાં 76, તો ગાંધીનગરમાં નોંધાયા 60 કેસ, એક દર્દીનું થયું મૃત્યુ। આજે પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રથમ દિવસ। સોમનાથ સહિત શિવાલયોમાં હર હર શંભુના નાદ ગુંજી ઉઠ્યા। શિવભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ।